नीति आयोग की जारी लिस्ट के अनुसार देश के 115 जिले ऐसे हैं जो कि अति पिछड़े हैं, जिसमें कि 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो कि विकास की मुख्य धारा से ही अलग थलग पड़े हुए हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रवस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली और फतेहपुर शामिल हैं, जो कि प्रदेश में अति पिछड़े घोषित किए जा चुके हैं, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 8 जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री लखनऊ पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री का स्वागत किया। साथ ही गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इन 8 जिलों के विकास के लिए लखनऊ स्थित योजना भवन में समीक्षा बैठक की, जिसमें 8 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के साथ सभी अधिकारी भी मौजूद थे, जिनसे की रिपोर्ट मांगी गई है कि अभी तक इन 8 जिलों में कौन कौन सी विकास की योजनाएं संचालित थीं और कौन कौन सी अभी प्रस्तावित हैं। इसके बाद इन 8 जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जाएंगी। इन पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और अन्य जनपदों की तरह इनका भी विकास संभव हो, ऐसी योजनाएं भी बनाई जाएंगी। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ अंकुश पाल, जनमत न्यूज़।